हेलो एवरीवन, आज हम बिल्कुल बाजार जैसी चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे। इसको हम केवल 3 इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही इजी मेथड से बनाएंगे। ये बहुत ही स्मूथ और टेस्टी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक बोल ले लिया है और अब हम इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे। ये हमने एक दूसरा बोल लिया है जिसको हमने 15 मिनट पहले फ्रीज़र में रखा हुआ था और अब इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। इसमें 1.5 कप फ्रेश चिल्ड क्रीम डालेंगे और अब हम इसको व्हिप करेंगे। आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी व्हिप कर सकते हैं, वैसे ये हाथ से भी 5-7 मिनट में व्हिप हो जाती है। देखिए हमारी क्रीम व्हिप हो गई है और इसकी पीक्स भी बहुत अच्छी बन गई हैं। और अब इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 कप कोको पाउडर। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से व्हिप कर देंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई भी लम्स ना हो। अब इसको एक लिड वाले कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और स्पैचुला से एक सार कर देंगे। अब इसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट रोल जो आता है उसको हम लगा देंगे। आप चाहें तो इसको ना लगाएं, लेकिन अगर आप इसको लगा देंगे तो आपकी आइसक्रीम के ऊपर आइस क्रिस्टल नहीं जमेंगे। अब इसको लिड लगाकर फ्रीज़र में 10 से 12 घंटे के लिए हम इसको जमने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। हमने यहाँ पर इसके ऊपर चॉकलेट ग्रेट करके डाली है। आप इसके ऊपर चोको चिप्स भी डाल सकते हैं या आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालिए। ये बहुत ही टेस्टी और स्मूथ बनती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।